नमस्कार, मैं संगम विकास और आप देख रहे हैं टेक्निकल विकास टीवी। इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे, रेलवे ने IRCTC एप्लीकेशन को अपना अपडेट कर दिया है। अपना टिकट बुकिंग से लेकर के टिकट का कलर प्रिंट जो होता था वो सारा कुछ, टिकट का डिजाइनिंग, टिकट बुकिंग का सिस्टम और सर्च करने का हर कुछ, ट्रांजेक्शन का हर कुछ आपको अपडेट कर दिया गया है। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए, नहीं तो आपसे कुछ चूक हो जाएगा, टिकट आपसे बुक करने में कुछ समस्या हो सकती है। तो अगर आप टिकट रेलवे से सफ़र करते हैं, आप मोबाइल फ़ोन से टिकट का बुकिंग करते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, क्योंकि इसमें आपको IRCTC एप्लीकेशन को अपडेट कर दिया गया। अपडेट करने के बाद काफ़ी कुछ बदल गया है, जो कि आपको इम्पोर्टेंट जानकारी इस वीडियो में आपको देने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिएगा। इसमें कोई भी सवाल हो तो कमेंट जरूर करेंगे। चैनल पर पहली बार हम जिन लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि इस तरह के नया जानकारी वाला वीडियो जब भी अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करेंगे। आपको अपना IRCTC एप्लीकेशन को जब आप ओपन करेंगे तब आपके सामने इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। हालाँकि पहले इस तरह का इंटरफेस नहीं था। अब आपको बुकिंग, आपके सामने इस तरह के काफ़ी कुछ ऑप्शन देखने को मिल जा रहा है। प्लान माई जर्नी, यहाँ से बुकिंग करने का इंटरफेस देख रहे होंगे। आपको काफ़ी जो है ऊपर चेंज हो गया है। माई बुकिंग, PNR इंक्वायरी, कैंसिल टिकट और रिफंड हिस्ट्री, यहाँ पे फाइल TDR का ऑप्शन आ रहा है आपको। तो चलिए, मेरे को बुकिंग करना है तो प्लान माई जर्नी पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ से आपको जहाँ से जहाँ तक जाने का है वो सेलेक्ट कर लेंगे। तो फिलहाल मेरे को गढ़वा रोड से जाना है जबलपुर। यहाँ से मैं जबलपुर अपना यहाँ से मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, लिख करके इसका कोड में डाल दिया JBP, जबलपुर आ गया। अब यहाँ पे अपना कुछ डेट सेलेक्ट करने को दे रहा है, 6, 7, 8, 9। आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, नहीं तो ज़्यादा इससे ज़्यादा आपको डेट चाहिए दूसरा सेलेक्ट करना है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। तो फिर तरीके मेरे को सेलेक्ट करना है, ये तो मैं सिलेक्ट कर लिया है। अब सर्च ट्रेन पर आपको क्लिक करना रहेगा। सर्च ट्रेन पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने अब इस तरह से ऑप्शन मिल जाएगा ट्रेन का। ट्रेन पर जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर मैं क्लिक किया। अब यहाँ पे कौन सा क्लास में आपको बुकिंग करना है, तो स्लीपर क्लास में बुकिंग करना है। 24 सीट अवेलेबल है। यहाँ पे आपको डेट अपना सेलेक्ट कर लेना है। सारा कुछ आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, क्योंकि इसमें पूरा हर चीज़ जो है बदल गया है। थोड़ा प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखेंगे, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा और आप हो सके गलत आप टिकट बुक कर सकें। तो देख रहे हैं कि 315 रुपये किराया है इसका बेसिक फेयर। और यहाँ पर किराया का डिटेल आप देख सकते हैं, बेसिक फेयर 295 रुपये, रिजर्वेशन चार्ज 20 रुपये, टोटल आपको 315 रुपये हो गए हैं। और यहाँ पे देखेंगे कि अब यहाँ पे मैं डेट को सेलेक्ट कर लिया हूँ और यहाँ पे गो टू पैसेंजर डिटेल पे क्लिक करना है, नीचे रेड वाले पे। अब यहाँ पे आपको फिर से अपना पासवर्ड डालना है, ऐप का जो 4 अंकों का पासवर्ड होगा आपका वो आप डालेंगे। यहाँ से आपको कैप्चर कोड डालना है। जैसा है वैसा कैपिटल स्मॉल देख करके आपको डाल देना है। अब इसके बाद नीचे में आप देख रहे होंगे कि लॉगिन रेड कलर में है, यहाँ पे लॉगिन पर आपको क्लिक करना है। इनवैलिड कैप्चर शायद हमने गलत डाल दिया है, LLD। तो चलिए अब लॉगिन पर हम क्लिक कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे, अब आपके सामने इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल गया है। यहाँ पर भी आपको ट्रेन का डिटेल आपको देखने को मिल जा रहा है, सीट भी देखने को मिल जा रहा है। अब यहाँ पे आपको आप देखेंगे कि ऐड न्यू पे आप क्लिक करके पैसेंजर को ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे ऐड इन्फेंस, यहाँ पर और एक्स्ट्रा चाइल्ड सबको आप ऐड करना है वो करेंगे। और यहाँ पर आपको जो है ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से आप अपना जो मैनेज मास्टर लिस्ट में सेव करके रखे हुए होंगे उसका आपको देखने को मिल जाएगा। तो फिलहाल मैं 3 लोगों को सेव करके रखा हूँ, वो यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है। तो पहले हालांकि ऊपर मैं शो कर रहा था, अब यहाँ पे शो करने लगा है। तो चलिए मैं पैसेंजर को ऐड कर रहा हूँ, कोई भी डाल दिया नाम, मेल फीमेल यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर सीट का परफॉर्मेंस आप सेलेक्ट कर सकते हैं, साइड लोबर ऊपर कुछ भी। चलिए मैं कुछ भी सिलेक्ट कर दिया। अब आपको यहाँ पर एड पैसेंजर पे आपको क्लिक करना है, फिर से और पैसेंजर को ऐड करना है तो फिर से एड न्यू पैसेंजर पे क्लिक करेंगे, फिर से इसे मोहित करेंगे। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, नाम यहाँ पे ऐड किया कुछ भी, इसके बाद अपना एज डाल दिया, मेल फीमेल सेलेक्ट कर लेंगे आप, मेल सेलेक्ट कर लिया,
और फिर सब वो एड पैसेंजर पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे रिव्यू जर्नी डिटेल पे आप क्लिक करेंगे, इंश्योरेंस सेलेक्ट करना करने को बोल रहा है, तो यहाँ पे इंश्योरेंस आपको लेना है 49 पैसा पर पैसेंजर लगेगा, तो यस नो पे आपको टिक मार्क लगाना है, तो लेना है तो यस कर देंगे, 49 पैसा कोई बड़ी रकम नहीं है। अब आपको फिर से आपको यहाँ पे देख रहे होंगे आप सारा कुछ, आपको फिर से यहाँ से एक बार डिटेल को अपना वेरीफाई कर लेंगे और यहाँ पे आपको कैप्चर डाल देना है। कैप्चर समझ में नहीं आता है तो रिफ्रेश का बटन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको दूसरा कैप्चर मिल जाएगा। अब यहाँ से आपको कैप्चर डालना है 393 कैपिटल आर जी जे जेड, और आपको प्रोसीड टू पे पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे काफ़ी सारा आपको पेमेंट मेथड आ गए, दो आपको किराया 648.68 रुपीज़ आपको पेमेंट करना है। यहाँ पे वॉलेट सेलेक्ट कर सकते हैं आप, वॉलेट से नहीं तो भीम UPI इंटरनेट पे काफ़ी कुछ यहाँ से है, यहाँ से आप अपना पेमेंट मेथड को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, फ़ोनपे से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप पेमेंट करेंगे, पेमेंट करते हैं आपका टिकट जो है वो बुक हो जाएगा। तो फिलहाल मैं पेमेंट नहीं कर रहा हूँ, आपको दिखा रहा था इसके बारे में जानकारी दे रहा था। तो चलिए अब आपको देखना होगा कि आपको टिकट जो है आपको बुक जब कर लेंगे तो आपको कहाँ दिखेगा और कैसा दिखेगा। टिकट में भी परिवर्तन कर दिया गया है, उसका रंग रूप भी आपको बदल गया है। यहाँ पे देखेंगे आप माई बुकिंग पे आपको क्लिक करना रहेगा। माई बुकिंग पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का देखने को मिल जाएगा, देख रहे होंगे कि एक मैं टिकट बुक किया हूँ ऊपर में BSB LTT सुपरफास्ट एक्सप्रेस जबलपुर टू कल्याण। अब आपको इस पर क्लिक करना रहेगा। क्लिक करने के बाद आप देख पा रहे होंगे कि इस तरह के आपको ट्रांजेक्शन आईडी अब इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, यही है टिकट, पैसेंजर का नाम भी आपको देखने को मिल जा रहा है और ये एड फैड सब आपको जो है वो आपको मोबाइल फ़ोन में सेव हो जाएगा। पहले हालांकि ऐसा नहीं था सेव, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यही टिकट है, पहले का इस कलर कुछ और था, अब कलर कुछ और हो गया है, डिजाइनिंग कुछ और हो गया है। यहाँ पे आप सेव टिकट पर क्लिक करके अपना सेव टिकट कर सकते हैं अपना फ़ोन में, बुक ईमेल पर क्लिक करके आप मोबाइल बुक कर सकते हैं, शेयर इस टिकट को आप चाहते हैं किसी अपने फ्रेंड्स को बुक किए हैं अपना फैमिली मेम्बर्स को, तो आप शेयर पर क्लिक करके आप यहाँ से शेयर यहाँ से व्हाट्सएप फेसबुक वहीं से भी आप शेयर भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं कैंसिल कर दिया, तो इस तरह से आपको काफ़ी कुछ बदल गया। तो एक बार टिकट बुक करने से समय आप अच्छे तरीके से आप बुक करें, आपसे ये रिक्वेस्ट है, नहीं तो आपका थोड़ा इंटरफेस चेंज हुआ है तो काफ़ी कुछ इंटरफेस चेंज होने से आपको हो सकता है कि कुछ आपको समस्या आए, इसको लेकर के मैं आपको जानकारी दे दिया इस वीडियो में। तो प्लीज़ कोई भी सवाल हो सुझाव हो तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक ले दिए ये नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। वीडियो चला।